वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया? हाँ आओ बैठो। क्या बात है? बात? कोई बात नहीं। तो फिर तुम्हारा दिल ऑफिस में क्यों नहीं लगता? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब पूछो लेट, जब पूछो गायब। तुम्हारा अगर इस काम में दिल नहीं लग रहा तो कोई और काम स्टार्ट करवा देते हैं तुम्हें। नहीं रामेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस सुबह हानिया की वजह से। वो सब मैं जानता हूं आमिस। इसके अलावा भी अगर तुम ये काम सीखना चाहते हो तो ये भूल जाओ कि ये हमारा ऑफिस है और मैं तुम्हारा भाई हूं। बिजनेस में कमिटमेंट होती है, डिसिप्लिन होता है, इसके अलावा बिजनेस नहीं चलता। आप ठीक कह रहे हैं भाई। देखो आबिस, मैं तुम्हें डीमोटिवेट करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इस बिजनेस को अच्छी तरह सीखो, हर चीज़ पर अबूर हासिल करो। मेरे बाद ये बिजनेस तुम्हीं ने तो संभालना है यार भाई, ये बात ना करें कम अज कम। बाबा। जब ये बात कहते थे ना, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता था, लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है। होगी, लेकिन प्लीज आप ना करें ये बात। अच्छा ठीक है, बैठो। नहीं बस मैं चलता हूँ, मुझे काम है। चाहे तो पी लो मेरे साथ। अच्छा श्योर, पी लूंगा, लेकिन पहले आप प्रॉमिस करेंगे क्या? इस तरह की बात दोबारा नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है। पक्का? मजाले जो उस लड़की को जरा बराबर भी परवाह हो, एहसास ही नहीं उसे कि मेरी माँ परेशान होती होगी। बस अपनी मनमानियां करती रहती है, फोन तक नहीं करती मुझे। हर वक्त काम, हर वक्त पढ़ाई, कब आती है कब जाती है, उसको होश ही नहीं। आ जाएगी आपा, अब इतनी भी देर नहीं हुई जितना तुम परेशान हो रही हो। जवान लड़की है, कैसे ना परेशान हूं मैं। और हाँ, अब तुम आ गई हो ना, कोई जरूरत नहीं है उसे सर पे बिठाने की। आपा मैं कोई उसकी दुश्मन तो नहीं हूं, मेरी बेटियों की तरह, जैसी मेरी सलमा वैसी मदिया। कितनी खुशकिस्मत है तुम, तुमने बेटी का फर्ज अदा कर दिया। एक मैं हूं के पापा ऐसे दिल छोटा नहीं करते। परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा, थोड़ा सबर रखो। अब इस उम्र में सबर कहाँ होता है रुकैया, तुम तो जानती हो ना। जानती भी हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन एक बात मेरी तुम भी समझ लो, मतिया बहुत समझदार बच्ची है। कोई फर्ज का कर्ज ना तुम्हारे सर से यूं उतार देगी। अपना रास्ता बनाना आता है उसे, देखना तुम खूब तरक्की करेगी इंशाल्लाह। अच्छा छोड़ो इन दुखी बातों को, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हैदराबाद की लच्छेदार रबड़ी, खाओगी ना मजा आ जाएगा तुम्हें। हाँ मुझे पता है।